दास्तान सुनिए। मैं कैसेट के सौजन्य से नगीना जी के निर्देशन में, ध्यान दीजिएगा आप सब, बड़ी ही मार्मिक कथा आपको मिलेगी, हृदय भाव विह्वल हो जाएगा, आप ध्यान दें, कवि का भाव है। चंद्रकला से हुई भूल शरमण हुआ, भूल कुंती ने की तो करण हो गया, भूल की जो जन गंधा पर आसर के संग, जब किनैया पे डगमग चरण हो गया, जब किया भूल मंदोदरी बालापन, वीर नद का उससे जन्म हो गया, लंका में भूल जब की सुपंखन की, तो प्यार भाई बहन का खत्म हो गया। कितना सुंदर भाव मिला, जब किया भूल मंदोदरी बालापन, वीर अंगद का उससे जन्म हो गया, लंका में भूल जब की सुपंखा ने की, तो प्यार भाई बहन का खत्म हो गया। देखिए आप, एक बड़ी मनोहर दास्तान है। एक तर्ज मिला था, थोड़ा श्रृंगार का भाव है, कहना है मास्टर गजल में। हाँ हाँ सही है। बुढ़िया जब सज के निकलती है, बुढ़िया जब सज के निकलती है, बुढ़े पे जवानी आती है, बुढ़े पे जवानी आती है, बुढ़े पे जवानी आती है, सज के निकलती है, बुढ़े पे जवानी आती है, बुढ़िया जब सज के निकलती, बुढ़े पे जवानी आती है, दोनों फिर डिस्को डांस करें, दोनों फिर डिस्को डांस करें, जब रात सुहानी आती है, जब रात सुहानी आती है, जब रात सुहानी आती है, लेकिन ये तो ओरिजिनल भाव रहा। कवि का कहना है, सुबह का प्रहर है, और देखें आप, लोग उठ रहे हैं, दिशाएं भोर की बेला से एकदम लालायित हैं कि थोड़ी ही देर में सूरज निकलेगा। भाव देना है, अरुणोदय का जब समय हुआ, अरुणोदय का जब समय हुआ, कलियों ने घूंघट खोला है, कलियों ने घूंघट खोला है, कलियों ने घूंघट खोला है, जब समय
समय हुआ, कलियों ने घूंघट खोला है। अरुणोदय का जब समय हुआ, कलियों ने घूंघट खोला है। कोई हरे राम कोई हरे कृष्ण, कोई हरे राम कोई हरे कृष्ण, कोई हरे राम कोई हरे कृष्ण, कोई कहता कोई हरे राम कोई हरे कृष्ण, कोई कहता बम बम भोला है, कोई कहता बम बम भोला है, कोई कहता बम बम भोला है, कोई हरे राम कोई हरे कृष्ण, कोई हरे राम कोई हरे। आ जाइए कहानी पर। अभी कोई शेर में देना पड़ा, लंकेश की बहन सुपंखा, 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 मन में विचार करती है, मन में विचार करती है, मन में विचार करती है, धीराज महल में लेटी रह रहे आहें भरती है, धीराज महल में लेटी रह रहे आहें भरती है। फिर काहे किसी से डरना, आज सुपंखा राजमहल में लेटी है, बगल में भाभी मंदोदरी हैं, लेकिन अपने मन में सोच रही है कि आज मैं अकेले सागर में स्नान करने जाऊंगी और बड़े प्रेम पूर्वक ऋतु स्नान करूंगी। ओके, मन चंचल हो गया तो एक भाव देना पड़ा, कहना है कि मेरा भाई तो दशानन है। गजल का अंतरा है, भाई पे नाज वो करके चली सागर स्नान की खातिर, भाई पे नाज वो करके चली सागर स्नान की खातिर। यौवन को सुपंखा देख मुझे, यौवन को सुपंखा देख ले, और पगली का मंडोला है, और पगली का मंडोला है, और पगली का मंडोला है। हरे कृष्ण कोई हरे राम कोई हरे कृष्ण, कोई हरे राम कोई हरे कृष्ण, कोई कहता बम बम भोला है, कोई कहता बम बम भोला है, कोई कहता बम बम भोला है, कोई हरे राम कोई हरे कृष्ण, कोई हरे राम कोई हरे की। देखें आप, बस अपने मन में विचार करके और सागर की तरफ रवाना हो गई, सागर की तरफ रवाना हो गई, किसी से नहीं पूछती, धोती उठाया और चल दिया। अकेले सागर के किनारे आई तो स्नान जब करने लगी, सूर्यदेव निकलने ही वाले हैं, बड़ी मन में प्रसन्न है, तो एक खिया तर्ज निकल, और तर्ज कहा लगा था भोजप्रिया में, हाँ सुना 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 बताई थी। एक किसान के मेहरारू अपने मर्दबा से कहा था कि ये सुना, कमाई धमाई तो तुम्हारा बड़ी नीक बा, खेती में पैदावारो अच्छा बा, खाद पानी के इंतजाम बड़ा अच्छा बा, तो एक काम कह दिया। बोला बोला
बोला मेरी बाबा की बिटिया का चाहिए, बोला तो का कहा था। बहुत अच्छे मास्टर, तोरे बच्चा बरवा, तोरे बच्चा बरवा सनरवा के घरवा गढ़वाए गजुलनिया पितरियन के। कहा अरे पितरी के झुलनी? हाँ यानी कहे बरे, कहे तोरे बच्चा बरवा सनरवा के घरवा झुलनिया पितरियन के रे बड़ा नीक लागेगी, बड़ा नीक लागे गीत कोई रिनियन के रे बड़ा नीक लागेगी, मर्दवा फिर इसलिए अच्छी बात है भाई तो कि पितरी के झुलनी नहीं, अरे जमाना बदल के बारे हम तो के सोने के झुलनी लिया दे भाई। अरे पितरी के का होई कौनो कीमत का ससुरी ना होई, ती तो तज रहा। लेकिन यहाँ पर देखें आप, कभी ने कितना सुंदर भाव दिया। सुपंखा स्नान कर रही है, स्नान कर रही है और उसी वक्त विदुर जिह्वा दैत्यराज विदुर जिह्वा शिकार को आया है। तो कभी ने भाव दिया यहाँ पर उसी तर्ज में, जाके सगरवा कपड़वा उतरली नजर आई गे बदनिया नजरियन से, हाय 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 नजर आई गे बदनिया नजरियन से रे चांद घिरी गईले करिया, चांद घिरी गईले करिया बदरियन से रे चांद घिरी गईले करिया, विदुर जी आयल खेल के सिकरवा, विदुर जी आयल हिरन का पीछा आयो, हिरन का पीछा करत आई गा सगरवा, हिरन कितना बढ़िया भाव मिला कि चांद घिर गई ले करिया बदरियन से। कालिका दैत्य का पुत्र विदुर जिह्वा की नजर जब सुपंखा पर पड़ी तो धीरे धीरे अपन पांव उठाकर सागर के किनारे आता है, सागर के किनारे आता है और एक तक लगाकर सुपंखा को देख रहा है। सुपंखा कर स्नान देखा नंगी बदनिया, कर मदन जागा
करिया है ररियन तेरे चांद गिरी गई करिया करिया। लेकिन बाबूजी विदुर जीवा कमन भाव विभोर हो गया। सुपंखा को देखकर कामांध होकर सुपंखा की तरफ चल पड़ा। सुपंखा नग्न अवस्था में स्नान कर रही है। आज उसके ऋतु स्नान है, बड़ी प्रसन्न है, मन चंचल है। लेकिन तब तक ये देख लिया और पहुंचता है, कहता है कि ए, ए! सुपंखा नजर जब फेरा देखा कि अरे बाप रे, ये तो मर्द यहां से कैसे आ गया। घबरा गई, कांपने लगी, कहा ना ना ना, डरो ना डरो ना, बाहर आओ बाहर आओ, ये रहा तुम्हारा कपड़ा, ले। कहा नहीं नहीं नहीं, कहा मानो मेरी बात, मानो मेरी बात, तुम खड़ी रहो खड़ी रहो। कपड़ा दे दिया, हमारे लाज के सामने खड़ी है तो कभी ने एक भाव दिया। विदुर जीवा मदमस्त हाथी के तरीके से झूम रहा है और क्या कहता है, हम के सतावे गोरी काम, हाय राम मनवा न माने, हम के सतावे गोरी Yeah.
पकड़ के बुलावे समरिया उठवा पे तो हो देखिए आज हुस्न की टक्कर इश्क से हो गई, दोनों तरफ से बाण चला और चलता गया चलता गया चलता गया। कभी तो टेरी का भाव देना पड़ा विराट शीर्षक में एक प्रतिबल समाचार। अरे राम मितैया न जाने में भाई, हो मितैया न जाने में भाई, प्यू प्यू करे पपीहा चाहक लगी चिड़ैया मितैया न जाने में भाई, बोर हो गए। कभी ने झूमर का भाव दिया कि लूट लिया सब सिंगार नहीं से नूराली रात, लूट लिया सब सिंगार नहीं से नूराली रात, रोए जार बेजार खड़ी होई के कामनी, मस्त होई गवा चोला भी दुर्जी हुआ तब बोला, बोला बरसा वही अंगार खड़ी होई के कामनी, बिदुर जीवा मोरा नाम शंब नगरी में धाम, काम हो जवा बेकार खड़ी हो के कमनी, जाओ नैहर के देश हम हर बैठले सठे से लागे जब कतार खड़ी हो के कमनी, गैर शादी के उसका सब कुछ लूट गया। एक औरत जो बचा कर रखती है आज वो सागर के किनारे विधवा के द्वारा नष्ट हो गया। और वो कहता है कि सुपंखा तुम चिंता मत करो, मेरा नाम बिदुर विधवा है, शंभ नगरी में मेरा धाम है, कोई कष्ट तुम्हें अगर पड़े तो मुझसे मिलना, मैं तुम्हारी भलीभांति सेवा करूंगा। सुपंखा मन मलिन करके चली जाती है। देखिए कभी का उड़ान का भाव मिला, चली सुपंखा लंका नगरी पिया के लिए निशानी, अरे मन मलिन यो धूमिल चेहरा या जो उतर जा पानी हो, अरे मितैया यन जाने में भाई, अरे बेदर्दी समय बन गयो बाबा करे बोले तो सही, आ मितैया यन जाने में भाई, आई सुपंखा अपने लंका में, राजमहल में बैठी है, मन मलिन है,
भाभी मंदोदरी पिछले का बात का बात बोल आ, कुछ नहीं कुछ नहीं, लेकिन धीरे धीरे सुपंखा को गर्भ का अनुमान है। किसी से नहीं कहती, लेकिन उसका तन देख कर उसके हालात देख कर भाभी मंदोदरी जान गई कि किस साल में काला है, एकदम काला है। पूछने पर सारी बात सुपंखा रो रो कर बताती है कि भाभी मुझसे त्रुटि हो गई, मुझसे गलती हो गई, भाभी तो क्षमा चाहती हूँ। कहा सुपंखा, तूने अपने भाई के परिवार में दाग लगा दिया, दाग लगा दिया। रावण के पास खबर पहुंची कि सुपंखा बिना शादी के गर्भवती। रावण आग बबूला हो गया और कहता है, अरे लाओ पकड़ के बदबख्त को, मार डालो। प्रणाम के विजय स्कंदर के खानदान में सुपंखा ने दाग लगा दिया और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकर तलवार मारने के लिए पहुंचता है, तब तक मंदोदरी हाथ पकड़ लिया, नहीं आप अपनी बहन को मारेंगे लेकिन आने वाले बच्चे का क्या कसूर है? नहीं होगा ऐसा, आप अगर अपनी बहन को नहीं रखना चाहते हैं अपने घर, इसे निकाल दीजिए, जाने जहां जाए जाए। कहा ये बात ठीक है, और सुपंखा तो निकाल दिए बाबू जी, तो कभी एक तर दिया। सुपंखा रोते हुए आज जनता छोड़ के जा रही है, अपने भाई का देश छोड़ के जा रही है। एक बहन जब भाई का देश छोड़ के जाती है तो गोली और बहार बाजी गाली के साथ, लेकिन आज कुछ नहीं, आज एकदम खेल दृष्टि से निकाल दी गई, तो कभी ने तर दिया। एक औरत सागर का स्नान करेगी और कहा, कहा था एक दिन नहाई गई बाबा के सगरावा हो, बाबा के सगरावा हो, सगर मझुलनी हेराई गई लीला हल मोरे, ओरिजिनल भाव रहा। लेकिन यहाँ पर सुपंखा क्या कहती थी, ये भगवान वीर था भयाला हमारे जिंदगी के सिंगारावा हो, जीवन के सिंगारावा हो, हमारी चरनिया जगमगा गई निहाय दैया, देखिए सुपंखा घर से निकल गई और रो रही है कि हाय भगवान मैं कहां जाऊं, कभी गंतरा का भाव देना पड़ा। बन बन भट केला बारिश कुमारी, बन बन जब पहुंचती है आप सोच रही है कि मैं
आ तो गई लेकिन बात क्या कहूं। लेकिन रोते 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 जब परेशान हो गई तो अचानक उसके मन में एक बात आई कि यही वो नगर है। तो क्या कहती है, पिया कई कया बाला शोर मचावे, पिया कई कया जिया से लगावे भरले मंगिया में से नूर वाहो, मांगी में से नूर वाहो, हमारी चरनिया डगमगा गई हाय गैया, उसका प्रीतम उससे मिल गया, बड़े प्रेम से सुपंखा से विवाह किया और सुपंखा अपने स्वामी से लंका की सारी बात सारी व्यथा बताती है। तो कवि ने एक तर्ज दिया, तर्ज जो है देखें आप भोजपुरी में, का ओरिजिनल भाव रहा, लेकिन कवि का क्या कहना है, लंका की बात जब अपने स्वामी विदुर जिह्वा से बताती है, क्या कहती है, कैले हम बहुत नैहर नगरिया में सगर नहैले, कैले हम बहुत तूफान, कैले हम बहुत तूफान, हमार जान सांसत में पड़ी गयो, हमार जान में पड़ी गयो, दवा में चमकेला चान, हमार जान सांसत में पड़ी गयो, सुन के पियरवा नैहर नगरिया से, नैहर नगरिया से नाता छोड़ैले तोहरा घटैले हमार, तोहरा घटैले हमार, हमार जान सांसत में पड़ी गए, हमार जान सांसत में पड़ी गए, तोहके बनैबे महान, हमार जान सांसत में पड़ी गए, खुश हो गया कि कोई बात नहीं है, जो भी तकलीफ तुम्हें लंका में हुई है सुपंखा मेरी प्रिय, भूल जाओ भूल जाओ, आज तुम अपने देश में हो, आज मेरे पास हो। अरे तो खुशी की बात है पगली कि तेरे पेट में एक सुंदर सा रत्न है। सुपंखा खुशी हो गई कि सब कुछ भूल गई, ससुराल में रहने लगी। उसके दिल में एक ही बात लगी है कि कब मैं अपने भाई राजा रावण से अपने अपमान का बदला चुकाऊं। यकीनन उसको ठेस लगी है। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, कवि को भाव देना पड़ा। पुराण में
बड़े प्रेम से रहे सुपंखा राज महल में लेटी। धीरे धीरे वक्त करीब हो गया बच्चा होने का, तो कवि ने यही भाव दिया है कि बड़े प्रेम से रहे सुपंखा राज महल में लेटी। अरे दो संतान भइल गोदी से, एक बेटा एक बेटी हो। अरे मितैया यन जाने में भई, अरे महल में मंगल हो वह बाजे अनन बधैया। मितैया यन जाने में भई, जिहवा का राजमहल सज गया। दो संतान सुपंखा के गर्भ से उधर से पैदा हुआ। देखना है एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम शंभूक और बेटी का नाम शंभूकी। देखिए आप, खुशी की बात है। आज जैसा कि आप गांव देश में देखते हैं, महतारी बहन लोग बहु बेटियां सब एकत्रित हो जाती, बेटवा भैलवा फलाने के, बेटवा भैलवा फलाने के, आवा 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 सब जुट के का कहती। तो यही मंगल वहां भी हो रहा है। कैसे होता है और देखें आप, ध्यान दें। अंगना में चमके लचनवा तो सब हर साई गईले हो। अंगना में चमके लचनवा तो सब हर साई गईले हो। मोर रामा दुअरे पे बाजे लापधैया हो, समैया बड़ी पामन हो। हंसी हंसी ललना दुलार हो, हंसी हंसी ललना दुलार की हीरावा कपाई गईले हो। मुरराम सब ही नाचेला ताता थैया हो, समैया बड़ी पावन हो। कितनी खुशी छाई है, यही है। पाप माई सपना पुरावे की मोतिया लुटाई गईले हो। मोर रामा धीरे धीरे, रामा धीरे धीरे बहे पुरवैया हो, समैया बड़ी पावन हो। आज विदुरजीवा और सुपंखा दोनों प्रसन्न हैं। वो बेटा लिए है, वो बेटी लिए है। भगवान ने दो संतानों को दिए हैं। देखिए आपको विचित्र बात मैक कैसे से मिल रही है। एहसास करें कि मैक कितनी बेहतरीन चीज आपको अपने देश में अपने पुराणों की बारीकी निकाल कर देता है। कहना है नाचेला दुनहो परनिया की नमामा धराई गईले हो। मोर रामा बेड़ावा पे चाह कै चिड़ैया हो, समैया बड़ी पावन हो। मोर रामा बेड़ावा पे चाह कै चिड़ैया हो, समैया बड़ी पावन हो।
बहिना झेला तिनक तैया हो समैया बड़ी पावन हो देखिए आप शंभूक और शंभूकी सुखपूर्वक रहने लगे, बच्चे खुशहाल हैं, धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं। एक बात हो जाती है, उसी बीच एक घटना घट जाती है और एक दिन दैत्यराज विदुर जिह्वा कहता है अपनी सुपंखा से कि एक बात प्रिय हमारी सुनो। कहा क्या बात है? कहा प्रिया, आज सुबह से जब से उठी है हमार दाहिना अंग रह रहे के फड़कत है, हमके लगत है कि कोनो अपशगुन है। कहा कब बात करती है? अरे तुम दैत्यराज विदुर जिह्वा की पत्नी हो, अपशगुन की बातें नहीं करते, सुनो मेरी इच्छा है। कहा कहिए, पापड़ में कभी का भाव देना पड़ा? आए अरे आज मगन मन चंचल यही अरवा हमारी रानी हो, हे आज मगन मन चंचल यही अरवा हमारी रानी हो, हम जंगल में खेल जाव सिकरवा हमारी रानी हो, हम जंगल में खेल जाव सिकरवा हमारी रानी हो, हम जंगल में खेल जाव सिकरवा हमारी रानी, हम जंगल में खेल जाव सिकरवा हमारी रानी, हमारी रानी हमारी रानी हो, हम जंगल में खेल जाव सिकरवा हमारी रानी हो, हम जंगल में खेल जाव सिकरवा हमारी रानी हो। कहां सुपंखा जाओ प्रीतम शाम को जल्दी आना हो, लेकर तीर कमान चलायो धरे वीर का बाना हो, अरे हम हन मारब शेर नहनब सियरवा हमारी रानी हो, अरे जब हम लौट के आयु किहु सिंगरवा हमारी रानी हो, जब हम लौट के आयु सिंगरवा हमारी रानी हो, जब हम लौट के आयु सिंगरवा हमारी रानी हो। अरे बाप रे, आज सुपंखा बड़ी खुश हो गई और कहा था कि जब हम लौट के आओ तो तू खूब सज धज के बैठा, हाथ पकड़ लिया, इतने में कहा हमार कहा माना राजा जी हो, 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 राजा जी सतन के लंबे लंबे बाल, राजा जी लिपट मत जाना, राजा जी हो हमार कहा माना, राजा जी हो हमार कहा माना, राजा जी हो हमार कहा माना, राजा जी। लेकिन देखें आप क्या कहना है, विदुर जिह्वा जब चल दिया इधर, विदुर जिह्वा चल भैले उधर चला लंकेश, आज इत्तफाक की बात है, इस तरफ से शंभ नगरी से चलता है विदुर जिह्वा और लंका से दशानन शिकार के निमित्त निकला है, तो कहना हुआ कि इधर विदुर जिह्वा चल भैले उधर चला लंकेश, अरे कोई किसी को नहीं जानता घूमई बन के देश हो, अरे मितैया अनजाने में भई, अरे चले एक शेर के पीछे बन कर के निर्दया हो, मितैया अनजाने में भई, चले एक I'm not afraid to die.
देखिए आप विदुर जी, हुआ एक शेर देखता है और उसके पीछे धनुष बाण लेकर पीछा कर लिया, दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, एकदम हाँफ रहा है कि जल्दी मिले जल्दी मिले, निशाना लगाए है। और इधर उसी शेर के पीछे लंकेश भी पीछे पीछे दौड़ रहा है दौड़ रहा है। तो कवि ने आल्हा का भाव दिया, कैसे होता मास्टर? अरे शेरवा के आगे पीछे दौड़े दुई सिकरिया ये भैया, रावण का बाण भूसा पिठिया में जाए, मार के दहाड़ से रे बनवा मगी गे बबुआ, दोनों शिकारी पहुंच गए। पहले बाण विदुर जिह्वा का लगा, उसके बाद लंकेश का। और एक बात और है कि विदुर जिह्वा का बाण सामने छाती में लगा और दशरंधर का बाण पीछे पीठ में लगा। शेर गिर गया दहाड़ मारकर और धराशायी हो गया। दोनों शिकारी अपने शिकार के पास मौजूद हैं और देखे क्या कहा था लगना मास्टर। बहादुरन से बतिया तो हो वे लगली, बोला दस कंदर दिहले शेर का गिरा, कहे विदुर जिह्वा हम छतिया में बनवा हो मरले, पहले दिल सेरावा पे बनवा चलाए, बनवा जो लागल हमारा उही से मरल ईशरवा, दशकंदर के आगे अपने आप को बहादुर गिनते हो? काहे दशकंदर, लंकेश तुम नहीं जानते कि यहाँ कौन है? मेरा नाम विदुर जिह्वा है और ध्यान से सुन मेरी बात। कहा एक बात और सुनो। दोनों कहते हैं साले और जीजा में लड़ैया जम के हो वे लगली, साले और जीजा में लड़ैया जम के हो वे लगली, दुनह बहादुरन पे मिले नहीं भाई, दोनों बहादुर घमासान युद्ध कर रहे हैं। और रावण सोचता अपने मन में कि कितना बड़ा बहादुर है, कहां से आया है? कहा शंभ नगरी में मेरा मकान है, ये शिकार मेरा है, मैं लूट लेकर रहूंगा। कहा नहीं, ये मेरा है, बाण पे बाण चलता है, गदा पे गदा चलती है और दोनों आपस में भिड़े हैं। तो कभी को एक तर्ज देना पड़ा, तर्ज देना पड़ा। देखें आप इस लड़ाई के दौरान
सुपंखा जाने कहां से, बड़ी देर हो गई घूमते घूमते, लेकर बेटा गोदी में आ गई और देखती है कि मेरे भाई लंकेश और विदुर जिह्वा भिड़े हुए हैं। और तब तक वो आवाज दे दिया, स्वामी। आवाज जब दिया विदुर जिह्वा का ध्यान बदल गया, बाबूजी खतरा हो गया यहाँ पर। अरे बेटवा गोद मलई के आवई, बन के अंदर शोर मचावई, अरे पुकार बहिनी हमारा जिनी मारा साजनावा, पुकार बहिनी की बात विदुर जिह्वा तब करे विचार हो, हाय सगे जीजा पे साला दिहल चलाई कटार हो। विदुर जिह्वा जब पंखा को देखता है और दशानन मौका पा गया, मार दिया तलवार खींच के, एकदम मार दिया और कट गई गर्दन। आज सुपंखा विधवा हो गई, भाई ने अपने बहन का सुहाग उजाड़ दिया। सुपंखा कहती है, आज विदुर जिह्वा धोखे से मारा गईले बन में, अरे हाय सुपंखा बेटवा लेके गिर गई पिया चरण में, मन में सोचे तो उन्हें छनवा पुकार विधवा हो गई। रो रो कर सुपंखा रावण को धिक्कारती है, रावण चुपचाप सब सुन रहा है और दुखी भी होता है खुशी भी होता है। इतने में सुपंखा ने पति के खून का टीका लगाकर बेटा गोदी में लेकर कसम खाती है कि लंकेश लंका का नाश जब तक नहीं होएगा सुपंखा चैन से नहीं बैठेगी। वक्त गुजरता गया दोस्त, राम का वनवास हुआ और पंचवटी में मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी सीता के साथ आए हैं। आज सुपंखा ब्याह रचाने वहां जब जाती है तो कवि को अंतिम भाव गाने का देना पड़ा, सारा पंडारी के तज में लगा था। अरे हसला बहिनिया, अरे से नुरावा मिटाई के नहीं हरे कनास कैली न किया कटाई के नहीं हरे कनास कैली में आए सुपंखा करे राम से शादी हो, निकुरा कान कटा लंका में जाकर खबर सुना दी हो। प्रतिशोध की भावना बदले की भावना सुपंखा के दिल में बसी है और अपना कटी है और जाकर रावण से कहती कि हम तुम्हार बहिन है, जैसे भी है कुल की मर्यादा की बात है। रावण एकदम उत्तेजना से भर गया और कहता है कि मेरी बहन की दशा। उसी वक्त दोस्त क्या कहता है, अरे सीता का हरना भैले भैसिया बनाई के नहीं हरे कनात कैली नकिया कटाई के नहीं हरे किए भदक यगिनिया मौद का करनवा भैली सुपंखा बहिनिया। अरे बचले भीषण हरि चरणिया में जाय के नहीं हरे कनास करे नकिया कटाई के नहीं हरे कनास करे
हमारे मैके से अंतिम भाव कवि को देना पड़ा। इस तरीके से लंका का विनाश हुआ सुपंखा के द्वारा। झगड़ा की जड़ हुई सुपंखा भालंका के नाश, अरे राम धार कह भुल्लू दादा स्वर्ग में करे निवास, मितैया अने जाने में भई अरे बस गया प्रयागराज में है दर अली गवैया, मितैया अने जाने में भई Thank you.